हेलो दोस्तों, सप्तरंग हिंदी टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मयूर और आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर ब्लेंड टूल के बारे में। तो दोस्तों, ब्लेंड टूल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को ब्लेंड करने के लिए करते हैं दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा दोस्तों, और पिक टूल सिलेक्ट करके उसमें एक कलर फिल कर दूँगा और अपने कीबोर्ड पे से प्लस के बटन दबा के उसे कॉपी कर लूँगा और उसे शिफ्ट की बटन दबाकर इधर साइड में सरका दूँगा दोस्तों। अभी मैं ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करके सिलेक्ट करके मैं अपने माउस की लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए ले जाऊँगा। तो आप देख सकते होंगे दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट ब्लेंड हो चुका है दोस्तों। तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे ढेर सारे स्क्वायर बॉक्स बन गए हैं जो एक के पीछे एक छुपे हुए हैं। तो आप यहाँ से इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों, आप इस तरह से इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना हो तो कम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप एक सिलेक्टेड नंबर रखना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ 5, तो ये 5 हो जाएंगे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे करूँगा 2, तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंड टूल का यूज़ करते हैं दोस्तों। उसी तरह से अगर मैं पिक टूल सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ग्रुप हुए हैं, यानी कि ये सभी एक साथ चिपके हुए हैं। तो अभी हमें इसे सबको अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, अरेंज पर क्लिक करेंगे और ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट पर क्लिक करेंगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस के से भी इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करूँगा और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स और ये साइड का एक बॉक्स अलग हो गया है, लेकिन ये बीच के दो बॉक्स एक साथ चिपके हुए हैं, यानी ग्रुप है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और अपने माउस की राइट बटन क्लिक करूंगा और इन दोनों को अनग्रुप ऑल करूंगा दोस्तों। ग्रुप यानी कि जितने चाहे उतने आप ऑब्जेक्ट या इमेज को मिलाकर सिलेक्ट करके आप उसे ग्रुप कर सकते हैं दोस्तों। उससे ये वो सभी एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं दोस्तों, और अनग्रुप करने से वो सभी अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। और अनग्रुप करने के लिए आपको की शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस यू, आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते होंगे कि ये सभी अनग्रुप हो चुके हैं दोस्तों, इस तरह से। उसी तरह से अगर मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कंट्रोल की बटन दबाए रखना है तो ये बराबर स्क्वायर में ड्रॉ होगा दोस्तों। और अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को प्लस की बटन दबाने से कॉपी कर लूँगा और शिफ्ट की बटन दबाकर इधर सरका दूंगा। और अभी मैं ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक ड्रैग करूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये किस तरह से बन गया। अगर आपको नंबर्स कम करना है तो आप यहाँ से इसके नंबर भी कम कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से बन गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ये है दोस्तों, एक डायरेक्ट ब्लेंड, दूसरा क्लॉकवाइज ब्लेंड और तीसरा है काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड। अगर आप डायरेक्ट ब्लेंड पर क्लिक करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज ब्लेंड करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको इन ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि करता हूँ 20, तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेट भी होते हैं दोस्तों, इस तरह से। और आप यहाँ से ऑब्जेक्ट और कलर एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है दोस्तों, इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। और आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे साइज एक्सेलरेशन, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आ गया है। आप इधर करेंगे तो इधर चले जाएंगे ऑब्जेक्ट, और आप इनको राइट साइड की तरफ सरका देंगे तो ये राइट साइड की तरफ चले जाएंगे। उसी तरह से मैं पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ
कंट्रोल एफ बटन दबा के सबको डिलीट करता हूँ। अब आप टेक्स्ट पर भी देखेंगे दोस्तों कि ये किस तरह से टेक्स्ट पर भी काम करता है। टेक्स्ट टूल को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। मैं अभी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है ये, और इसकी साइज जो मैं वो बढ़ा दूंगा दोस्तों इस तरह से। और मैं अपने कीबोर्ड पे ऐसे प्लस की बटन दबाऊंगा दोस्तों, और इसे कॉपी करूंगा और अपने शिफ्ट बटन दबाते हुए इधर सरका दूंगा दोस्तों। और अभी मैं ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करूंगा और ए पर एक बार क्लिक करूंगा दोस्तों, और यहाँ से इसे इस तरह से ड्रैग करूंगा। तो आप देख सकेंगे कि ये किस तरह से ब्लेंड हुआ है। तो आप इस तरह से भी इसे कर सकते दोस्तों। आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आप इनके नंबर्स कम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसे कम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। और अगर आपको इनको अलग करना हो तो आप पिक टूल सिलेक्ट करेंगे, अरेंज पर जाएंगे, ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट करेंगे यानी कि कंट्रोल के करेंगे, तो ये दोनों अलग हो जाएगी दोस्तों। अगर इनको भी अलग करना है तो आप अपने माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे और इनको अनग्रुप अलग कर देंगे, तो ये भी अनग्रुप हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों ब्लेंड टूल। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए उस बेल आइकन को भी, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।